हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी दिखाने वाले वीडियो शूटिंग का आपको बैकग्राउंड कैसे रिमूव करें, रिमूव करने का पूरा तरीका हम दिखाएंगे। हम ये वीडियो पे चाहे आप देखते रहिए हमारा वीडियो, किस तरीके से आप वीडियो को बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं और दूसरा वीडियो का बैकग्राउंड लगा सकते हैं, किसी भी तरीके का बैकग्राउंड आप लगा सकते हैं। को वीडियो और फोटोशूट फोटो वाला ही बैकग्राउंड लगा सकते हैं और फोटो बिना के बैकग्राउंड लगा सकते हैं। जैसा भी बैकग्राउंड लगाना है वैसा लगा सकते हैं। हम दिखाएंगे पूरे आपको पूरी प्रोसेस दिखाएंगे। पहला आपको क्या करना है देखते रहिए हमारा वीडियो पे। पहला आपको टर्बो वीपीएन चालू करना स्टार्ट करना है। वीपीएन स्टार्ट करने के बाद आपको कैपकट ऐप को इंस्टॉल आपको ओपन करनी है। ओपन करनी है, ये देखिए हम कैपकट ओपन करते हैं। ये देखिए हम ओपन करते हैं, अभी ओपन कर चुके हैं। प्लस आइकन पर क्लिक करके आपको चालू करना है, ओपन करना है। देखिए हमने ओपन कर दिया है। आपको किसी भी तरीके का बैकग्राउंड लेना है तो बैकग्राउंड ले सकते हैं। ये देखिए हमने वीडियो ले लिया है, हमारा वीडियो ऐड हो चुका है। वीडियो देखिए हमारा, इसके आगे हमारा कैसा शूटिंग वाला वीडियो लगाना है वो लगा सकते हैं। किसी भी तरीके का वीडियो आप लगा सकते हैं, किसी भी को पीछे नेचुरली हो, किसी भी का मल्टी कलर वीडियो शूटिंग है, किसी भी तरीके का आपको वीडियो शूट के अंदर से रिमूव कर सकते हैं और किसी पीछे वाला बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हैं। हम दिखाएंगे, देखिए हम किस तरीके से आपको वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव करना है और दूसरा वीडियो के पीछे बैकग्राउंड लगाना है वो पूरी प्रोसेस दिखाएंगे हम। पहले आपको ओवरली पर जाना है, ओवरली पर जाने के बाद आपको एड ओवरली पर जाना है। आपको किसी भी तरीके का आपको शूटिंग लेना है, हमने ये वाला हमने शूटिंग ले लिया है। हम ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद आपको ये हमारा यहाँ पे दिखाएंगे फ़ोटो किस तरीके का। देखिए हमारे पीछे वाला बैकग्राउंड देखिए किस तरीके का दिख रहा है। ये बैकग्राउंड है, देखिए हमारा ऑफिस वाला बैकग्राउंड है। पीछे सोफ़ा लगा हुआ है, इस टायर ब्लू कलर का कलर है, इस साइड वाइट कलर का बैकग्राउंड है। देखिए हमारा पूरा इस तरीके का है। ये देखिए इसको रिमूव किस तरीके से करते हैं वो दिखाएँगे, पूरी प्रोसेस दिखाएँगे आपको। देखिए अलग अलग तरीके का इसका ऑप्शन दिया हुआ है, स्पीड का है, वॉल्यूम का, ब्लेंड है, एनिमेशन है, सब का वॉल्यूम दिया हुआ है। देखिए आपको सब एनिमेशन वाला, डिलीट वाला है, कैमरा ट्रैकिंग है, कट आउट है, रिप्लेस स्टाइल है, एडिट है, लेयर है, मेन ट्रैक है, कॉपी है, सब अलग अलग तरीके का है, फिल्टर का है, सब का अलग अलग तरीके का है। वीडियो ये दिखाएंगे हम आपको। कलर, इसका कलर मोड चेंज करना है तो कलर मोड चेंज कर सकते हैं और हमारे पहली प्रोसेस दिखाएंगे कि किस तरीके से आपको इसका बैकग्राउंड रिमूव करें। देखिए हम दिखाएंगे, पहला है ऑप्शन हमारा वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव कैसा करना है। तो ये देखिए हमारा ये ऑप्शन है, इसके पर क्लिक करना है। इसके पर क्लिक करने के बाद आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको दिखाएगा, तीन ऑप्शन दिखाएगा। तीन ऑप्शन पे के लिखा हुआ है रिमूव बैकग्राउंड है, कस्टमाइज कट आउट है, क्रोमा की है। आपको किसी भी तरह का मल्टी कलर का बैकग्राउंड है तो मल्टी कलर का बैकग्राउंड के पीछे आप किस तरीके से आपको रिमूव करना है और दूसरा आके कस्टमाइज कट आउट है, आपको लाइन आउट करके कट आउट कर सकते हैं। और क्रोमा के आपको पीछे वाला बैकग्राउंड ग्रीन हो तो ग्रीन वाला बैकग्राउंड होता तो इसके अंदर क्रोमा की कैसे कर सकते हैं। और आपको पीछे वाला मल्टी कलर का और नेचुरली बैकग्राउंड है वीडियो शूटिंग के पीछे तो आप किस तरीके से आप रिमूव कर सकते। तो देखिए हम रिमूव बैकग्राउंड है, देखिए हम दिखाएंगे इस तरीके से है। इसके पर जाना है, इसके पर जाने के बाद और ये रिमूव बैकग्राउंड करना है। अब हमारा रिमूव बैकग्राउंड हो चुका है, देखिए हमारा। और इसके पर ये टिक पर क्लिक करना है। टिक पर क्लिक करने के बाद देखिए हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। इसके फोटो वाला के पर क्लिक करके आप जहाँ पर रखना है ये हमने इस तरीके से छोटा बड़ा कर सकते हैं। देखिए छोटा है, बड़ा है, जैसा वैसा करना है वैसा कर सकते हैं आप। देखिए ये हमारे इस तरीके हमने नीचे ले लिया थोड़ा फोटो शूटिंग वाला और बाद में इसके ऊपर हम दिखाएंगे। इसके पर किसी भी तरह के एनिमेशन का मतलब होता है कि आपको स्टाइलिश करना है, स्टाइलिश के फ़ोटो होता है। देखिए स्टाइलिश के फोटो है, इफेक्ट है इसकी, ये इफेक्ट है, अलग अलग तरीके की इफेक्ट है। हम ये देखिए ये एनिमेशन है हमारा, एनिमेशन देखिए हमारा खुल रहा है। अभी प्रोसेस धीरे चल रही है क्योंकि नेट कवरेज कम आ रहा है, इसीलिए देखिए रोटेशन
इसके पर क्लिक करके देखिए इस तरीके का हमारा वो आ चुका है कि एनिमेशन। देखिए एनिमेशन इस तरीके एनिमेशन होता है कि देखिए हमारा एनिमेशन इस तरीके से होता है। देखिए एनिमेशन इस तरीके से एनिमेशन हो चुका है। हम दिखाएंगे अभी इसकी इफ़ेक्ट है, और दूसरा है एडजस्ट, इसका कलर किस तरीके से एडजस्ट करना है, इसके फिल्टर है एडजस्ट है। देखिए हम एडजस्ट करके दिखाते हैं इसके पर। ये हमारा ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस डार्क रखना डार्क रख सकते हैं और लाइट रखना। ये हमने थोड़ा लाइट कर दिया 18 पर रख दिया हमने, थोड़ा लाइटनेस रखा है हमने क्योंकि अच्छा दिखे इसलिए लाइटनेस रखा है हमारा। ये देखिए इसके बाद आपको पीछे जाना है, पीछे जाने के बाद बाहर आना है। ये देखिए कैमरा ट्रैकिंग कटआउट है, सब अलग अलग तरीके का है हमारा। इसके बाद आपको ये देखेंगे पूरा, ये देखिए हमारा वीडियो अभी चालू हो चुका है। देखिए इस तरीके का हमारा बैकग्राउंड, हमने पीछे वाला बैकग्राउंड रिमूव कर दिया है। इस तरीके से ऐसे आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, किसी भी वीडियो का बैकग्राउंड एकदम सरल से रिमूव कर सकते हैं। आप देखिए इस तरीके इस प्रोसेस से एकदम ईजिली है, आप किसी भी वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। हमारा वीडियो पे ये हमारा देखिए पीछे वाला वीडियो का कैसा बैकग्राउंड था, ये अभी देखिए हमारा रियल वीडियो है। इस तरीके वीडियो दिखता है कि रियल वाला वीडियो है हमारा, हमने कहाँ पे जंगल में जाके शूटिंग किया इस तरीके लग रहा है। देखिए ये हमारा इस तरीके का शूटिंग दिख रहा है कि बढ़िया लग रहा है एकदम। ये अभी देखिए कि बारिश के मौसम में हमने शूटिंग लिया, इस तरीके का वीडियो दिख रहा है कि देखिए हमारा पीछे वाला कितना, ये देखिए वीडियो पे दिख रहा है कि बारिश कितनी पड़ रही है, इसका शूटिंग चल रहा है अभी। इस तरीके का पूरा शूटिंग हमने ले लिया है। ये है कैप कट ऐप के थ्रू हमने ये वीडियो एडिट किया है। ये देखिए पीछे वाला झरने वाला शूटिंग है, देखिए कितना कैसा लग रहा है। ये सन साइट है, देखिए पीछे वाला वो दरिया वाला शूटिंग है। देखिए कि मैंने दरिया के पास जाके हमने शूटिंग लिया है इस तरीके। देखिए इस तरह किसी भी तरीके का आप शूटिंग पीछे वाला रख सकते हैं। पहला शूटिंग लेने के लिए पहला आपको पीछे वाला बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आपको पहला शूटिंग लेना पड़ेगा। शूटिंग के बाद आपको बनाया हुआ वीडियो लेना पड़ेगा। वीडियो लेने के बाद आपको कैपकट वीडियो लिया हुआ है आपको कटआउट पे जाना पड़े। कटआउट पे जाने के बाद आपको रिमूव पर जाना पड़े। आपको किसी भी तरह के आपको वीडियो के पीछे का बैकग्राउंड रिमूव हो सकता है। ये सब इस तरीके के वीडियो रख सकते हैं, किसी भी का आपको पोज लगाना है पोज लगा सकते हैं, सब तरीके वो पोज लगा सकते हैं, अलग अलग तरीके के पोज लगा सकते हैं। रेजोल्यूशन है 2K है, 4K है, और फ्रेम रेट है 13, 15, 16 है, अलग अलग तरीके से स्मूथर है, प्लेबैक है, कोड रेट है, हाइंग है, लो, रिकमेंडेड, हाइंग। किसी भी तरीके आपको हाई 4K लेना है तो 4K पे ले लोड करना है। देखिए हमारा इस तरीके एक्सपोर्टिंग हो चुका है, डाउनलोड हो रहा है किस तरीके के। ये 99% हो चुका है हमारा, ये 100